एहसान फरामोश, मेरी ही आस्तीन में रह के मुझे ही डस लिया तूने। मैंने तेरे बच्चों पर तरस खाकर तुझे सहारा दिया और तूने मुझे ही बर्बाद कर दिया। भूल गया मेरे एहसानों को, भूल गया मेरी हमदर्दी को। किस हमदर्दी की बात कर रहा है तू? 3 साल पहले तेरी इस कंपनी से मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए का गबन किया था, सिर्फ 5 लाख। अगर तू चाहता तो मुझे माफ कर देता, लेकिन तूने मुझे जेल भिजवा दिया। उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरा सब कुछ छीन लूंगा। यह तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तूने मुझे खुद पावर अटॉर्नी दे दी, वरना इस दौलत के लिए मैं तेरा खून भी कर देता। जाओ यहां से और आइंदा यहां आने की हिम्मत मत करना। हमारी कार्रवाई पूरी होने के बाद इस बंगले पर पुलिस रखवा दीजिए, ताकि नीलामी होने तक किसी भी चीज को कोई हाथ ना लगा सके। पापा, पापा। क्या बात है बेटे? पापा, इन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया। ये सब क्या हो रहा है? आई एम सॉरी शर्मा जी, आपने बैंक से जो कर्ज लिया था उसकी वसूली के लिए आपके नाम की बंबई और आसाम की तमाम प्रॉपर्टीज और निजी खातों को सील्ड करने के लिए हमें हुक्म मिला है। मैंने तो कोई कर्ज नहीं लिया। हमारे पास जो बैंक के पेपर्स हैं उसमें लिखा है कि आपने मिस्टर मदन चोपड़ा के जरिए ब्याज पर 5 करोड़ रुपए उठाए हैं। आपको 15 दिन पहले कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्रवाई ना होने की वजह से अदालत को एक कदम उठाना पड़ा। लेकिन वकील साहब, मेरी बीवी बच्चे सब बेघर हो जाएंगे। वकील साहब, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर मदन चोपड़ा चाहे तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। अरे अरे, ये क्या तुम रो रही हो? नहीं नहीं, ये आंसू तुम्हारे गालों का रंग फीका कर देगी। तुम्हें घर चाहिए ना? मैं दूंगा। अरे, बड़े बड़े नवाबों और राजाओं ने तवायफों के लिए कोठियां बनाई हैं, क्या मैं तुम्हें एक फ्लैट भी नहीं दे सकता? मैं जानता हूं तुम जैसी खूबसूरत औरत सड़क पर कैसे रहेगी, कहां सोएगी, कहां नहाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं कोठी की तवायत नहीं हूं, विश्वनाथ शर्मा की पत्नी हूं। कुकर्म ने रावण और दुशासन को भी नहीं छोड़ा, सर्वनाश कर दिया था, तो तू क्या है? तेरी औकात क्या है? एक बात याद रखना, तू जिंदगी में तू कभी सुखी नहीं हो सकता। मेरे बच्चों की हाय, तेरा सुख चैन सब कुछ छीन लेगी, तू तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। एक माँ की बद्दुआ है। अब तेरी बद्दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। अब हर चीज मेरी है और हर चीज का मालिक मैं हूं। पैक कर देना। हाय प्रिया। हाय अंजलि, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे हॉस्टल भी गई थी, लेकिन पता चला तुम वहाँ रहती नहीं। क्या है, होटल हिलटॉप में मुझे रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिल गया और मैं वहीं रहती हूँ। क्यों, कोई खास बात है?
अपनी एंगेजमेंट के लिए तुम्हें इनवाइट करना था। कब है? आज शाम को, और तुम्हें जरूर आना है। आज तो मुश्किल है, मेरी नाइट ड्यूटी है। पहले पता होता तो छुट्टी ले लेती। चले प्रिया। विकी, ये है सीमा की बेस्ट फ्रेंड अंजलि, और अंजलि ये है मेरे मंगेतर मिस्टर विकी मल्होत्रा। हेलो। हेलो। लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, दुनिया बहुत छोटी जगह है ना। नहीं। चलो भाई प्रिया, तुम्हें ब्यूटी पार्लर भी पहुंचना। चलो। अच्छा अंजलि, बाय। एडवांस में मुबारक हो तुम दोनों को। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। थैंक यू। जरूर देखा होगा, दुनिया बहुत छोटी जगह है। हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? प्लीज कम इन। आइए आइए, नाइस टू सी यू। बहन जी शरबत। अरे मोटू उधर देखो, बाबूलाल गिलास में शरबत डालना भूल गया और खाली गिलास लिए हुए इधर उधर घूम रहा है। जी बत्रा जी। मेरा नाम बत्रा नहीं, वाधवा जी। लीजिए शरबत, अच्छी शरबत है, अच्छी शरबत। थैंक यू। मेरी तसल्ली के लिए प्लीज। थैंक यू। नहीं जी, नहीं नहीं। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर करण, हाउ आर यू? प्लीज कम इन, प्लीज। नमस्कार प्रिया, तुम्हारी सारी सहेलियां आ गई क्या? अभी कुछ बाकी हैं? हाय विकी, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस प्रिया। थैंक यू। दोस्तों, चोपड़ा साहब की बेटी प्रिया की सगाई आज विकी मल्होत्रा के साथ हो रही है, और इस खुशी के मौके पर एक खूबसूरत नगमा सुनाएंगे हिंदुस्तान के अजीम फनकार श्री विनोद राठौड़। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी जताना भी नहीं आता। छुपाते हैं जुबां पे बात है, लेकिन सुनाना ही नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं।
आता। चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं, हाले दिल सुनाने से ना जाने क्यों डरते हैं, ना जाने क्यों डरते हैं। कितना पागल दिल है मेरा, मनाना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हेलो, ये चोपड़ा उठ है? नहीं तो क्या मैं टेलीफोन एक्सचेंज से बोल रहा हूँ? प्लीज जरा प्रिया को बुला दीजिए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। देखिए, एक लड़की के लिए उसकी सगाई से ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं होती है। अब वो बहुत बिजी है, वो नहीं आ सकती। देखो, दो घंटे से ट्राई करी, बहुत मुश्किल से नंबर लगा है। मुझे सीमा के बारे में कुछ कहना है। सीमा के बारे में कुछ कहना है? हाँ, प्रिया से इतना कह दो कि अंजलि का फोन आया है और वो सीमा के बारे में कुछ कहना चाहती है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, फोन अंजलि का है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अजय भाई प्लीज आ जाओ, अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, एक मिनट एक मिनट, हां अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। क्या बोल रहे हो? अंजलि का फोन है, सीमा के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। अच्छा रहने दो, ऐसा करो मेरे लिए एक आइसक्रीम लेके आ जा। अरे मैं भूल जाऊंगा, अंजलि का फोन है, सीमा के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। मैं एक आइसक्रीम लेके आ, चलो जाओ, चलो आइसक्रीम लाऊं। अंजलि का फोन है, आइसक्रीम लेके जाऊंगा। अंजलि का फोन है, सीमा मैम को एक मिनट। बेबी जी, बेबी जी, फोन फोन है। अनारकली, अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी है। क्या? अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी है। अनारकली आइसक्रीम। हाँ, अनारकली का फोन। बाबूलाल क्या बात है? अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी है। क्या क्या बकते हो, शराब तो नहीं पिए तूने? मैं शराब में तो बाबूलाल चलो जाओ यहाँ से, कम ऑन गो गेट आउट। ये बुड्ढा कभी जरूरी काम करने नहीं देता, जरूर कुछ दाल में काला है। मुझे तो कभी कभी इससे भी शक होने लगता है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं चोपड़ा बोल रहा हूँ, प्रिया का डैडी। नमस्ते अंकल, मैं सीमा की फ्रेंड अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना बेटी। बात यह है कि आज प्रिया मुझे शॉपिंग सेंटर में मिली थी, वहां उसने मुझे विकी से मिलवाया। अंकल, विकी की सूरत बिल्कुल उस आदमी से मिलती है जिससे सीमा की दोस्ती थी। तुम ये बात यकीन से कैसे कह सकती हो? मेरे पास उसकी तस्वीर है। तस्वीर? हाँ, मेरे बर्थडे पार्टी पर जो तस्वीरें ली गई थी उसमें वो भी है। ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं? नहीं, मैंने पहले प्रिया को बताना जरूरी समझा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देखो बेटी, इस बात का तुम जिक्र भी किसी से मत करना, क्योंकि
क्योंकि यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वैसे तुम बोल कहां से रही हो? होटल हिलटॉप, स्टाफ क्वार्टर्स, रूम नंबर 9। ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं प्रिया को लेकर आता हूं। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? Oh yes, of course. Thanks. I hope you're enjoying the party. Huh? Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.